गाइस ने ब्लॉग में आपका स्वागत। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें गाइस। इससे ही मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकूँ। और आज नॉर्मली हम बनाने वाले हैं चिली पनीर। जो भी आपके घर में हो, प्याज शिमला मिर्च टमाटर जो भी हो उससे आप बना सकते हैं। बट इसके लिए पनीर ज़रूरी है क्योंकि हमें पनीर तो घेरना ही होगा ना। और मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैंने ये प्याज ले लिया है क्योंकि आप 5 से 6 प्याज ले सकते हैं। 2 कली लहसुन की ले सकते हैं, मतलब ये वाली, और ये इतने हरी मिर्च ले सकते हैं। और ये शिमला मिर्च रखी हुई थी तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे कट करती हूँ। देखिए गाइस, हम ये प्याज छील लेंगे अपनी। ऐसे ही आप जितने भी आपके पास प्याज हैं वैसे ही छीलें, आप छील के रखें। गाइस, हमने ना अपने प्याज लहसुन और हरी मिर्च सबको मतलब छील लिया है। हरी मिर्च नहीं छीलते, इसके ऊपर जो ये डंठल होता है ये हटा लिया है, शिमला मिर्च के ऊपर से भी, और प्याज को छील लिया, लहसुन भी छील लिया। अब हम इसे धोकर कट करते हैं। गाइस देखिए, बिल्कुल अच्छे से धो लिया है हमने इसे, एक दो बार धोए हैं ऐसे ही। और अब हम इसे कट करते हैं। गाइस हम इसे कट करते हैं। एक प्लेट ले लें, इसमें देखिए हमारी प्याज है। ठीक, इसके बड़े बड़े पीसेस करें, मतलब ऐसे हटा लें इसे। देखिए ऐसे इतने बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए इसके, ऐसे आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ऐसे ही पीसेस करें इसके। ऐसे ही प्लेट में एक साइड रखते रहेंगे आप। देखिए गाइस, इसके ना ऐसे पीसेस करें, ज्यादा छोटे ना करें क्योंकि चिली पनीर में बड़े बड़े पीसेस डलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए हमारी प्याज एकदम कट चुकी है जितने की हमें जरूरत थी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको ज़रूरत हो इतना काट सकते हैं। अब ले लेती हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के हमें बड़े बड़े पीसेस करने होंगे, छोटे नहीं चलेंगे, मीडियम रखें, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। गाइस देखिए, हमारी शिमला मिर्च कट चुकी है, प्याज कट चुकी है। अब काटते हैं हम लहसुन। जितना आपको ज़रूरत हो इतना ही लें आप, ऐसे 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 कट करें। देखिए देखिए गाइस, ऐसे ऐसे काट लें।
ऐसे ही आप सारी सब्जियों को अपना काट लें, प्याज लहसुन शिमला मिर्च टमाटर, बट मैं इसमें आज टमाटर नहीं डालूंगी। देखिए इतना काफी रहेगा। अब कट कर लेते हैं अपना हरी मिर्च। हरी मिर्च लें और इतना लंबा लंबा कट करें इसको, बीच में से ऐसे। इससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आएगा, एकदम चटपटा। गाइस कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं हरी मिर्च, बट मेरे लिए इतना काफी रहेगा। भाई देखिए ये हमारा पनीर है, मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, ज्यादा नहीं लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके, ऐसे लंबे लंबे पीसेस में हम कट कर लेंगे। देखिए मोटे पीसीज रहने दें क्योंकि टेस्ट एकदम अच्छा आएगा। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। ओके, मीडियम फ्लेम पे रहने दें आप। अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल जितना आपको जरूरत हो, बट अभी तो हमें पनीर फ्राई करना है तो हमें ज्यादा लेना होगा। इतना ले लें आप, ज्यादा ना लें। गाइस देखिए हमारा ऑयल एकदम गर्म हो चुका है, हीट हो चुका है। ओके, अब इसमें हम पनीर के पीसेस डालते हैं। गैस को कम रहने दें, ज्यादा गैस मतलब ज्यादा फ्लेम ना करें, ध्यान से करें इसे। गाइस इसे हम ब्राउन होने देंगे, इससे पहले नहीं निकालेंगे, ठीक है? ज्यादा भी ना करें, नॉर्मल रहने दें। देखिए ऐसे घुमाते रहें आप, जो ये अंदर इसके चिपके ना। देखिए काफी अच्छा लग रहा है। गाइस देखिए फाइनली हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, आराम से निकालें, हाथों का ध्यान रखें अपने। देखिए काफी अच्छा कलर आ रहा है, इसे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखिए गाइस देखिए जो हमने दोबारा पनीर डाला था ये भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसे भी हम आराम से निकाल लेंगे, काफी अच्छा कलर आ रहा है, ज्यादा ना जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए गाइस अब हम डालेंगे अपना प्याज, जो भी आपके प्याज मतलब जो भी आपके पास प्याज हो या टमाटर हो, बट हम पहले प्याज डालते हैं आराम से। नॉर्मली गाइस इसे ना प्याज को अपने नॉर्मली फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, ज्यादा फ्राई हो जाएगा तो ये घुल जाएगा, जो कि हमें नहीं वो करना, ज्यादा खड़ा खड़ा रखना है हमें इसे। गाइस
गाइस इसकी ना नॉर्मल फ्लेम रहने दें, ज्यादा ना रहने दें। ओके अब हम अपने ऑनियन को निकाल लेते हैं, मतलब प्याज को, ज्यादा नहीं करना है हमें, ये घुल जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। देखिए हल्का ब्राउन होने दें, ज्यादा नहीं करना है। गाइस देखिए अब इसमें डाल लेते हैं हम शिमला मिर्च, आराम से डालें। देखिए हमारे शिमला मिर्च जो कि भुन चुके हैं अच्छे से, ज्यादा नहीं करने हैं हमें, इस बात का ध्यान रखना। देखिए काफी अच्छा कलर आ रहा है सारी चीजों का। अब इसमें डाल लेते हैं हम अपना जीरा। देखिए अपने अकॉर्डिंग आपको जितना अच्छा लगता है इतना जीरा ले सकते हैं। देखिए डाल दिया। उसके बाद डालेंगे हम अपना लहसुन जो कि हमने थोड़ा सा लिया था, ज्यादा नहीं लेना था हमें। ओके देखिए अब इसे हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जो कि हमारे पास सब्जी आती है। ओके देखिए अच्छे से घुमाएं थे। फिर इसमें डालते हैं हम पनीर। देखिए डालेंगे हम हल्दी, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, मैंने कम ही लिया। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसमें डालते हैं हम लाल मिर्च, इसमें डालते हैं हम हरी मिर्च। हरी मिर्च हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि हमें ज्यादा नहीं इसे करना था। देखिए अच्छे से घुमाएं थे। इसमें अब नमक डालते हैं, ज्यादा ना गिरे, अपने अकॉर्डिंग आप भी ले सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं कुछ कम, बट हम मीडियम खाते हैं, ना ज्यादा ना कम। ना टमाटो सॉस, ओरिगैनो, पैप्रिका, तीनों चीज मिलाई थी, इसमें हम डाल सकते हैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए गाइस बन के एकदम रेडी है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं। गाइस देखिए हमारा चिली पनीर रेडी है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। और जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं आप तक।
थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर बनाएं, और प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। गाइस देखिए हमारा चिली पनीर रेडी है। इसके साथ लिए हमने 2 चपाती और ये चिली पनीर, और ये मैंने मिर्च और प्याज को फ्राई किया था तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें, और गाइस जो भी नए हो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।